एवरीवन, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश से हमेशा दूर भागते हैं और केवल इंग्लिश वीक होने की वजह से उनके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, वो कभी एसएससी में अपियर नहीं होते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा मैं आप सब लोगों के फायदे के लिए करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखिए पूरा और समझिए कि क्या बेहतर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब क्लास लेती हूँ, और स्पेशली छोटे शहर के जो बच्चे हैं और हिंदी मीडियम से हैं, वो इंग्लिश को एक डर बनाकर दिमाग में बिठा दिए हैं, और कोई भी एग्जाम आ जाए अगर उसमें इंग्लिश आ रही है तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं भाई, हमें ये नहीं करना है। जबकि देखिए, अगर हम 2022 के लास्ट से लेके और 23 तक एंड तक देखें तो एसएससी एक बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसीज को कंप्लीट कर रही है। आप 22 की वैकेंसी देखिए, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल में आज तक मैं तो इतने सालों से देख रही हूँ, इतनी 30,000 प्लस वैकेंसीज कभी नहीं देखी गई। एमटीएस में भी 10 से 12 हजार के, 11 तो समथिंग है ही अभी, और बढ़ के वो 12 तक ही पहुंच जाएंगी। तो कम से कम 10 से 12 हजार वैकेंसी आप एसएससी एमटीएस में देखिए, और 2023 का कैलेंडर बिल्कुल तैयार है जिसमें सीजीएल की वैकेंसीज फिर से 20,000 के अराउंड और बाकी सभी में वैकेंसीज अच्छी खासी रहने वाली हैं। तो आपको लगता है क्या ये मौके आपको अपने हाथ से गंवाने चाहिए? आप मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, और आप पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या एक सब्जेक्ट की वजह से हम इतनी सारी जो वैकेंसीज हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ने में भी सिंसियर हो, ऐसा नहीं है कि मजाक के लिए पढ़ रहे हो, तो क्या केवल एक डर की वजह से, एक सब्जेक्ट की वजह से आप अपने सारे मौके गंवा दोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इंग्लिश कोई फोबिया नहीं है, इंग्लिश कोई डर नहीं है। स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो लोग थोड़ा सा गांव की तरफ से बिलोंग करते हैं या हिंदी मीडियम से हैं। मैं ऑफलाइन बैचेस में जब डील करती हूँ, मुझे पता है कि उनके स्टूडेंट्स के मन में इंग्लिश को लेके एक अलग डर बैठा हुआ है। तो देखिए, रियालिटी ये है, इंग्लिश टफ नहीं है, आपने आज तक पढ़ी नहीं है, या ये मैं कह सकती हूँ कि आज तक आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं गई है। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने ऑफलाइन बैच में कि सब बच्चे अलग अलग, कोई पुलिस का 4 साल से, देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी 2018 के बाद नहीं आई है, तो क्या अगले 4 साल और निकाल दो वैकेंसी के वेट में? नहीं निकाल सकते हैं ना। तो कोई भी वैकेंसी आपके आ रही है बहुत अच्छी बात है, जब तक नहीं आ रही है, जो वैकेंसी सामने खड़ी है उसको टारगेट बना के पढ़ाई की जाए, तो एक तो हमारी पढ़ाई टारगेट वाइज चलती रहेगी, है ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो कवर होंगे ना, और अगर एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो उसमें दोहराया क्या है? इंग्लिश तो वैसे भी मुझे लगता है एक टाइम की नीड है। आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, आपको बेसिकली इंग्लिश तो वैसे भी आनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ने में आपको कोई भी परेशानी होनी चाहिए या इंग्लिश पढ़ने में कोई भी डर होना चाहिए। मैंने एक दिन ऑफलाइन क्लासेस में देखिए बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, बट मुझे लगा कि मुझे उन्हें गाइड करना चाहिए कि एसएससी किस तरीके से वैकेंसीज आउट कर रहा है और वो किस मौके को गंवाने की कोशिश कर रहे हैं केवल अपने इंग्लिश के फियर से। तो मैंने उन्हें समझाया, उसके बाद मैंने बोला मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी इंग्लिश की, उसके बाद आप एक दो दिन पढ़ के देखिए क्या आपके मन में जो डर बैठा हुआ है, इंग्लिश सच में उतनी कठिन है, उतनी टफ है? मैंने उनको बोला मैं आपको आप ही की भाषा में बिल्कुल आपको इंग्लिश को ऐसा कर दूंगी कि आपको लगेगा आप हिंदी की ग्रामर पढ़ रहे हो, तब तो समझ आएगी ना। और एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद आपको इंग्लिश खुद बेहतर लगने लगेगी। तो मैटर ये नहीं है कि इंग्लिश टफ है, जब आप मैथ कर सकते हो, जब आप रीजनिंग कर सकते हो, जब आप जीएस कवर कर सकते हो, तो इंग्लिश भी उतना ही इक्वली इजी है करना जैसे तीनों सब्जेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम अभी तक ये रही है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा रहा जिसने डरा के रखा है कि इंग्लिश बहुत, या इंग्लिश के एग्जाम तो हो गए, हमसे नहीं हो पाएंगे भाई, इंग्लिश तो बहुत टफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर एक सही टीचर, सही गाइडेंस और सही दिशा मिल जाती है कि हाँ भाई हमें बस इतना पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो इंग्लिश बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं, और स्पेशली एसएससी, क्योंकि वो अपने प्रीवियस ईयर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, बस हमें उसको समझ लेना है, हमें समझना भी नहीं है, बस आपको एक ऐसा टीचर अपने आसपास तलाशना है कि हाँ भाई जो आपको परफेक्टली गाइड कर सके कि आपको केवल इतना पढ़ना है और वही चीज आपको पढ़ा के दे सके। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मैंने ऑफलाइन क्लास वालों की खुद ली कि आप बस पढ़ तो सकते हो ना, 2-3 दिन का आप डेमो लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं भाई इंग्लिश फिर भी मेरी समझ से बाहर है, यू कैन गो, आप जा सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, बट ट्राई तो करके देखो ना। इसकी वजह से कितने सारे एग्जाम्स आते हैं, एसएससी तो लगातार कितना साल, देखो उसने सीपीओ दे दिया, एसएससी स्टेनो दे दिया, बाकी मैंने 3 वैकेंसीज अभी गिनाई दी, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो आप हर बार केवल इंग्लिश की वजह से एग्जाम नहीं दे रहे, ये ठीक नहीं है।
क्योंकि एक वैकेंसी के वेट में बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा एक लंबा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज आई अगले 4 साल वैकेंसी नहीं आई। हमारे इंडिया में स्पेशली यूपी में इतनी कोई ट्रांसपेरेंसी और इतनी कोई रेगुलरिटी नहीं है वैकेंसीज को लेके कि वो बहुत रेगुलराइज रहे। तो आपको समय के साथ अपनी सोच बदलनी है, तरीके बदलने हैं, सीखने की क्षमताएं अपनी बदलनी है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो भी लोग हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी इंग्लिश को बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा तीर मानते हैं, कुछ भी नहीं है। आप बस एक सही दिशा के साथ पढ़ते जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश में ही टॉप करना है, आप बाकी अपने तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे करिए, इंग्लिश एवरेज लेवल की तो करिए ना। और इंग्लिश को किस तरीके से करना है, कैसे सीखना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, मैं जल्दी इस पे एक वीडियो लेके आऊंगी। ये वीडियो केवल आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए था कि स्टार्ट करिए, यू विल गेट डेफिनेटली वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको अगर एक नौकरी चाहिए, आपको नहीं है मतलब वो पुलिस की, SSC की, किसकी, तो आप सभी चीजों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन इंग्लिश के लिए दीजिए। आप देखोगे क्योंकि SSC MTS में तो इंग्लिश GS बात खत्म, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग हो गई है, उसका तो बड़ा रोल ही नहीं है, आप इसी से MTS निकाल सकते हो। तो अभी भी MTS के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में ध्यान लगाओगे तो आप सीख सकते हो, आप उसको कंटिन्यू करिए। बाकी जो कासगंज के आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं इंग्लिश की क्लासेस के लिए। स्पेशल मैं केवल MTS के लिए नहीं, आगे तक जितने भी आपके एग्जाम्स इंग्लिश से रिलेटेड होंगे जिसमें भी इंग्लिश आएगी, आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कोशिश करिए इंग्लिश को सीखने की, और ये मेरी गारंटी है इंग्लिश का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि 4 दिन की क्लासेस में चेंज देख रही हूँ, जो कासगंज में बच्चा बैठना नहीं चाहता था क्लास में इंग्लिश की, वो इंग्लिश से डरता था कि नहीं हम तो बस पुलिस की निकाल लें वही बहुत है, हिंदी आती है उसमें ठीक है, इंग्लिश तो हमारे बस की नहीं है। आज क्लास में डेली 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 नए बच्चे ऐड हो रहे हैं केवल 4 दिन की क्लास में। पहले इंग्लिश की क्लास खाली हुआ करती थी, अब इंग्लिश की क्लास धीरे धीरे भर रही है। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बदलाव अगर समय की डिमांड हो तो हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यही आप लोगों को एक गाइडेंस देना था कि SSC अच्छे मौके दे रही है, कोशिश करिए उसको ग्रैब करने की। और चलिए बाकी इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करना है बिल्कुल ऐसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पूरा एक गाइडेंस मतलब फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको पूरा गाइड करती हूँ। पहले माइंड मेकअप करिए, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या ये जो मैंने बातें कही है क्या आपके लिए लायक है या नहीं है, पहले ये डिसाइड करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।